दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो चलिए बताते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली कैसे डिलीट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, पहले जो है इंस्टाग्राम आसानी से डिलीट हो जाता था, लेकिन इंस्टाग्राम ने अभी जो है अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस हम बताएंगे ना, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, तो आप भी अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट में, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे डिलीट कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन चालू हो गया है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में दोस्तों 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देख लेना है कि जिस भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं ना, वही अकाउंट है ना, मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। 3 लाइन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर में ही, सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हेल्प का, ठीक है। आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हेल्प सेंटर, ठीक है। आपको हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों ऊपर में 3 लाइन का, ठीक है। 3 लाइन है ना ऐसे ऐसे, उस तीन लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज योर अकाउंट, ठीक है। आपको मैनेज योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल गया है, लेकिन इसी में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीट योर अकाउंट। आपको डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग लेगा, यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या मिल रहा है, टेंपरेरी डीएक्टिवेशन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, दूसरा में है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट और नीचे है एक्सेस एंड डाउनलोड। मतलब यहाँ पे आपको जो है नीचे वाले 2 ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है ना डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको छोड़ देना है, ठीक है। नीचे भी जो ऑप्शन है उसको भी छोड़ देना है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है ना टेंपरेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको नीचे करना है, ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आइएगा, नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट नोट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट लिखा है ना, नोट फॉलो, उसी में लिखा है, उसी के नीचे लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट और यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड हेल्प, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड ऐप हेल्प, ठीक है। आपको एंड्रॉयड ऐप हेल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल ब्राउजर हेल्प, ठीक है। मोबाइल ब्राउजर हेल्प पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे करना है मोबाइल ब्राउजर हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए लिखा है टू रिक्वेस्ट द परमानेंट डिलीशन, ठीक है। उसी में दोस्तों लिखा है गो टू द डिलीट योर अकाउंट पेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन है ना, आपको डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है डिलीट करने वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिलीट योर अकाउंट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, मतलब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। आखिर क्या रीजन है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पे आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी रीजन एक ले लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रीजन हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक रीजन ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक रीजन है क्रिएट सेकेंड अकाउंट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है री इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है ना, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आता ना, तो किसी और का अकाउंट कोई और डिलीट कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ लिखा है कि आपका अकाउंट दोस्तों 30 दिन बाद डिलीट होगा, ठीक है। यानी कि आज हम डिलीट करेंगे तो डिलीट तो आज ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम से हमेशा के लिए दोस्तों 30 दिन बाद ये डिलीट होगा, ठीक है। अगर आप 30 दिन के अंदर में कभी भी लॉगिन कर लेंगे, तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखिए, आज है 24 फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है मार्च 25, 2024, यानी कि 30 दिन बाद आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट होगा, ठीक है। तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दीजिएगा ना, तो 30 दिन तक उसको लॉगिन नहीं कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो लॉगिन कर लीजिएगा,
करेगा, गलती से भी लॉगिन होगा तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। 30 दिन बाद आपको लॉगिन करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड डाल देना है, डिलीट करने के लिए नीचे लिखा है यहाँ पे डिलीट अरमान राज यूट्यूबर, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आर यू सियोर, मतलब क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, सियोर है तो हाँ हम यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, ओके पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ी देर वेट करना, ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक ये हट जाएगा और यहाँ पे लॉग आउट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप अपना दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो ये जो है अगर आप लॉग इन कर लेंगे तो गलती से भी लॉग इन हुआ दोस्तों तो डिलीट नहीं होगा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, पहले ही आपको बता देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम का तो यहाँ पे एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके न्यू अकाउंट बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।